सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। स्वास्थ्य सबसे बड़ी दौलत है, संतोष सबसे बड़ा खजाना है, आत्मविश्वास सबसे बड़ा मित्र है। जिंदगी में एक चीज कभी डिलीट नहीं होती और वो है किसी की यादें। जिंदगी तुझसे हर कदम पर समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर कर जिया जाए। जब जलेबी की तरह उलझ ही रही है तू ए जिंदगी, तो फिर क्यों ना तुझे चाशनी में डुबा कर मजा ले लिया जाए। आज का पंचांग 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि। रात्रि 2:18 तक रहेगी, इसके उपरांत द्वितीय तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र 3:03 तक रहेगी, इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय 8:26 से 9:48 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय 12:11 से 12:55 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर 3:03 तक रहेगी, इसके उपरांत सिंह राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगे। वृश्चिक राशि 6 फरवरी 2023 दिन सोमवार, यह आपके लिए बेहतरीन क्षण है क्योंकि आपको अपनी कड़ी मेहनत का फल मिलने वाला है। पदोन्नति के भी योग हैं, अपनी उत्तेजना और खुशी को अपने प्रियजनों से शेयर करें। कोई इनाम या धनराशि उन बदलावों में आपकी मदद करेंगे जिनका सपना आपने देखा है। अपनी नई सफलता का मजा लें। आज अपने अस्तित्व का अर्थ जानने के लिए आप उत्सुक हो सकते हैं। उस मूल कारण को खोजें जिससे बार बार आपके बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। अपने भीतर की यात्रा करने के लिए दिन शुभ है। जिसने समय का सदुपयोग सीख लिया उसकी जीत को भगवान भी हार में नहीं बदल सकते। पारिवारिक जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी और आप उन्हें अच्छी तरह सुलझा भी लेंगे। स्थल पर जरूर इससे आपको मानसिक और शारीरिक ऊर्जा मिलेगी। आप पूरी शिद्दत से अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करेंगे। किसी एक बात पर फोकस रखें, एकाग्रता और मेहनत के साथ काम करने की कोशिश करें। टूटते हुए नजर आ रहे हैं लेकिन इन रिश्तों को तोड़ने का निर्णय आपका रहेगा। इस कारण कुछ हद तक तकलीफ हो सकती है लेकिन बेकार की बातों को जीवन से दूर करना संभव होगा। कठिन निर्णय की वजह से शुरुआत में नाराजगी हो सकती है लेकिन इस निर्णय से फायदा मिलेगा। पुराने रिलेशनशिप को फिर से जोड़ने की गलती ना करें। सावधानियां, किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखें। बैंकिंग कार्य में किसी बात की रुकावट आने की वजह से मन में झुंझुलाहट रहेगी। आर्थिक मामलों में भी हाथ तंग हो सकते हैं परंतु किसी से उधार पैसा ना लें, विवेकपूर्ण बने रहें। बात करते हैं लव लाइफ की। आप अपनी योग्यताओं के बारे में अच्छे से जानते हैं और आपके बॉस वरिष्ठ अधिकारी भी आपके काम को पहचान रहे हैं। प्रेम जीवन और रोमांस में आई समस्याएं आपके संबंध को कमजोर नहीं कर पाएगी बल्कि इससे आप दोनों और भी नजदीक आएंगे। खुद पर ध्यान देने के लिए आज के दिन सर्वश्रेष्ठ है। लोग आपको प्रभावित करना चाहते हैं और इसके लिए वो अलग अलग तरीकों से आपको लुभाएंगे। जिंदगी के इस दौर का मजा लें और इन खास क्षणों में अपने दिल के सबसे करीबी को ना भूलें। हो सकता है कि आपकी आज किसी से बहस हो जाए इसीलिए सावधान रहें। बात करते हैं करियर की। आज के दिन आशा से भरपूर है जो आपके लिए प्रसिद्धि मान्यता और बेहतरीन रैंक जैसे परिणाम लेकर आया है। अपने पैसे और काम से आप पूरी तरह से संतुष्ट हैं और अपने कार्य का मूल्यांकन कर रहे हैं। अपनी प्रबंधकीय क्षमता से आप कार्यस्थल में एक प्रतिष्ठित स्थान पा सकते हैं। खुद पर विश्वास केंद्रित करें और इस समय भ्रमित ना हो। नैतिकता से संबंधित मुद्दे आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। एक यात्रा या ट्रिप की योजना भी आपके कार्ड्स में है। जो भी आप चाहते हैं उन्हें नोट करें और उसके बाद उसे पाने के लिए पूरे दिल से जुट जाएं। आप कभी भी निराश नहीं होंगे। बात करते हैं सेहत की। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार ना लें।
एसिडिटी की समस्या से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों का इस्तेमाल करें। शुगर संबंधित तकलीफ भी हो सकती है, ध्यान रखें। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।